अच्छा जी, दुपट्टा तो दिखाना मैं आपको भूल ही गई। ये देखें जी, सबसे पहले मैं आपको दुपट्टे की वीडियो दिखाती हूँ। यह मैं बिल्कुल स्टार्ट में वीडियो के लगा दूँगी। ठीक हो गया। सबसे पहले मैं आपको इस शरारे का दुपट्टा, शर्ट और शरारा दिखाती हूँ। ठीक है, ये देखें जी। अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे जी। आज मैं जो ड्रेस डिज़ाइनिंग लेके आई हूँ वो मदर और डॉटर जो उनसे सेम ड्रेस है। ठीक हो गया। और ये कॉटन पे है। ठीक है, ये कॉटन पे ड्रेस बना है। इसकी डिटेल बताती हूँ आपको, उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है। अच्छा जी, ये है कॉटन का ड्रेस और इसको जी मैंने शरारा बनाया है इसके साथ, इस शर्ट के साथ। ठीक हो गया। इसका गला जो मैंने रखा है वो गोल गला रखा है। इसके साथ जी ये वाली देखें डोरी लगा दी है सिल्वर कलर की, क्योंकि इसको बेसिकली हमने सिल्वर से कंट्रास्ट किया है। ठीक हो गया। और इसके बैक साइड पे भी हमने ऐसे ही रखा है। ठीक है, सिंपल, यहाँ से सिंपल और यहाँ से हमने डोरी लगा दी है। ठीक हो गया। और यहाँ पर जी ये देखें जो मैंने स्लीव्स बनाए हैं वो हाफ़ स्लीव्स बनाए हैं, ये देखें। ठीक हो गया, ये हाफ़ स्लीव्स हैं। अगेन मैंने ऐसे इलास्टिक डाल के, इसमें बारीक वाला इलास्टिक डाल के जुनेट्स देके, तो ये मैंने इस तरह की स्लीव्स रख ली हैं। ठीक हो गया। और यहाँ पे भी जो मैंने डोरी लगा दी है, ये देखें, ये और ये डोरी लग गई है। ठीक हो गया। इसके साथ जो मैंने ये दरमियान में जो इसकी, क्योंकि ये यहाँ से हमने काफ़ी लूज़ स्टाइल रखा है। ठीक हो गया। ये जो जगह है काफ़ी लूज़ है, यहाँ से हमने फिटिंग नहीं रखी क्योंकि इसका स्टाइल ही ऐसा है। और जो कमर वाली साइड से यहाँ पर मैंने इलास्टिक लगा के अंदर वाली साइड पर, ये देखिए यहाँ पे मैंने ऊपर सिलाई लगा दी है। ये आपको मैं क्लोज़ करके दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ से सिलाई लगी हुई है, और यहाँ पे पूरे, यहाँ पे आगे और जो आगे शर्ट के फ्रंट पे और शर्ट के बैक साइड पे, यहाँ पे सारी मैंने इलास्टिक लगा दी है। ठीक है। ये इसके दामन पे भी मैंने ऐसे डिज़ाइनिंग की है। डिज़ाइनिंग इस तरह की है कि यहाँ पे भी मैंने ये डोरी लगा दी है, यहाँ पे जी मैंने ये पट्टी लगा दी है, गोटे वाली पट्टी है, इसको पट्टी बोलते हैं इस तरह की। जैसे ये दुपट्टे वगैरह पे भी लग सकती है, और डिज़ाइनिंग वगैरह के लिए जो गोटे के सूट वगैरह बनाते हैं तो उस पर काफ़ी यूज़ होती है। तो मुझे अच्छा लग रहा था, थोड़ा ईद के लिए फैंसी फैंसी बनाना था, लेकिन ईद पर ये पहन नहीं सकी। ठीक है। और खैर आप भी इंशाल्लाह पहनेंगे। और ये जी यहाँ पर भी डोरी लगा दी है, यहाँ पे भी, और यहाँ पे ये डोरी लगा दी है जिगजैग वाली, और ये प्लेन वाला गोटा यहाँ पे मैंने लगा दिया। ठीक हो गया। अच्छा, इसकी जो फिटिंग है वो मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले मैंने इसके छोटे से चॉक्स रखे हैं। ठीक है, बिल्कुल छोटे से चॉक्स रखे हैं, बिल्कुल एंड में। ये पूरी बंद है यहाँ से शर्ट। ठीक हो गया, यहाँ से बंद है, और ये मैंने चॉक्स रखे हैं यहाँ पर बिल्कुल छोटे से। और ये इसकी ओवरऑल लुक देख लें आप, फ्रंट और बैक बिल्कुल सेम है, लेकिन जो फ्रंट पर मैंने ये लगाया गोटा वगैरह, ये बैक पर मैंने नहीं लगाया, बैग बिल्कुल मैंने प्लेन रखी है। ठीक हो गया। मैं इसकी फुल लुक दिखाती हूँ आपको, ये देखिए। इसके साथ जी शरारा बनाया, और ये शॉर्ट शर्ट है। ठीक है, अभी मैं इसके साथ आपको शरारा भी दिखाती हूँ। ये देखें जी शरारा, अभी मैंने प्रेस नहीं किया क्योंकि अभी मैं स्टिचिंग किया है, और मैं आपको दिखा दूँ। ये कॉटन का कपड़ा है, क्योंकि शर्ट भी कॉटन की थी, और ये कपड़ा भी जो ट्राउज़र का, सॉरी शरारा जो है वो भी कॉटन का है। ठीक है, यहाँ से मैंने ऐसे प्लेन नीचे से इसको फोल्ड कर लिया, और काफ़ी घेर वाला है ये। ठीक है, ये देखें यहाँ से आप। और यहाँ पे जी मैंने ये जगह है जिनसी, यहाँ पे मैंने ऐसे ही वो वाली वो गोटा लगा दिया है जैसे मैंने शर्ट पे लगाया। और ये इसकी ओवरऑल लुक देख लें आप, काफ़ी लूज सा बना हुआ है, बहुत खूबसूरत लग रहा है, जब पहना है तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। ठीक है, और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और इसके साथ जो मैंने छोटा ड्रेस बनाया वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, सेम मैंने वही ड्रेस बनाया है छोटी बच्ची का, और ये 1.5 से 2 साल की बच्ची का ड्रेस है। ये देखें यहाँ पर जी मैं, ये बैक साइड है। ठीक है, ये बैक का गला है, ये फ्रंट का गला है। फ्रंट पर मैंने ऐसे सेम जैसे मैंने उस शर्ट पर लगाई थी डोरी जिगजैग वाली, यहाँ पे भी लगा दी है। और यहाँ पे जी मैंने रखे हैं इसके भी हाफ स्लीव्स, यहाँ पे भी इलास्टिक लगा के ऐसे ही सेम मैंने जैसे उस ड्रेस का बनाया है ये गोटा वगैरह और डोरी लगाई है, इस पर भी ऐसे ही लगाया, यहाँ पे इलास्टिक लगा दी है। ये भी लूज़ है यहाँ से बिल्कुल, क्योंकि इसका बेगी स्टाइल का लुक आ रहा है। ठीक है, यहाँ से ये फिटिंग हो जाएगी, यहाँ पर इलास्टिक लगा हुआ है, फ्रंट और बैक दोनों पर इलास्टिक लगा हुआ है। और ये देखें, और सेम दामन पर ऐसे ही मैंने यहाँ पे डोरी और गोटे के साथ इसको डिज़ाइन कर दिया है।
ठीक हो गया। ये देखें, और इसकी जो बैक साइड है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये बैक साइड है। अच्छा, ये छोटी बच्ची का था तो मैंने यहाँ पे जी ऐसे पट्टी रख दी है, ठीक है। यहाँ पे बस बटन लगाना है, अभी टिच बटन या कोई भी आप बटन इसमें यहाँ पे ऐसे लगा सकते हैं। तो मैं जी लगाऊंगी यहाँ पे टिच बटन, ठीक है। और बिल्कुल सेम उसी तरह ही रखा है, यहाँ से बैक से मैंने बिल्कुल प्लेन रखा है। और यहाँ पे जी मैंने ऐसे लगा दी, और यहाँ पे बस अभी लग जाएगा टिच बटन, तो ये ऐसे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके साथ जी मैंने ऐसे ही छोटी बच्ची का ये देखें शरारा बना लिया है, सेम उसी तरह ही, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऐसे प्लेट्स डाल दी हैं, जैसे मैंने बड़े बड़े शरारे पे डाली हैं, ये देखें जैसे इस पे डाली हुई है ना, सेम इस पे। तो खैर काफ़ी मैंने डाली हैं क्योंकि इसमें मैंने काफ़ी कपड़ा लगाया है। ये तकरीबन 3.5 मीटर में बना है ये जो बड़ा वाला है, और ये तो छोटा सा पीस है इसमें बन गया है, ठीक है। क्योंकि ये छोटी बच्ची का, 1.5 साल की बच्ची का या 2 साल की बच्ची को आप पहना सकते हैं, तो ये उस साइज़ के बना है, ठीक है। और ये देखें जी, प्लेन यहाँ पे सिंपल लास्टिक डाल लेंगे और कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत है। और ये देखें जी, यहाँ पे मैंने ऐसे लगा के ये गोटा, और ये बहुत खूबसूरत लग रहा है, ठीक हो गया। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करना लाजमी है क्योंकि बहुत वीडियो मेहनत से बनती है, स्टिचिंग करने में भी बहुत मेहनत होती है आपके लिए। हम खूबसूरत खूबसूरत वीडियो बना के लाते हैं, तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।